नमस्कार, मैं राधिका गुजर एसपी न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की खबर। बोड़ा के कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। राजगढ़ जिले के नगर बोड़ा में नगर कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबन के विरोध में माता मंदिर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते हुए पुतला दहन करने से काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस मौके पर नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों की जबान बंद की जा रही है, यहाँ तक कि लोकसभा विधानसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है। उस बात को करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने, जब लोकसभा में उनको नहीं बोलने दिया जा, उनका जवाब नहीं दिया जाता, उन्होंने सड़क पर अपना आंदोलन चालू किया। जम्मू कश्मीर तक उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा निकाली, 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकालकर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी, लोगों को किस प्रकार परेशान किया जा रहा है और किस प्रकार उनके उद्योगपति साथियों को, उनके मित्रों को लाभ पहुंचा जा रहा है, उस बात को कहा जा रहा था। युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई के मारे सब लोग त्रस्त हैं। राहुल जी ने वो आवाज़ उठाई कि आपने गलत किया। फिर ये तानाशाह GST लाया, GST के लिए और उसके कारण इस देश का छोटा व्यापारी मर गया। उस व्यक्ति ने वो आवाज़ उठाई कि ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। उसने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि देश में सिर्फ एकमात्र उद्योगपति है और ऐसा कौन सा व्यापार ये करते हैं। ये मोदी जी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, मोदी जी के हाथ पैर फूले हुए हैं, वो घबरा है राहुल जी से, राहुल जी की आवाज को बंद करना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार से, तो ये सारे जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। राहुल जी की आवाज को कोई नहीं दबाता, राहुल जी जहां भी रहेंगे वहीं से वो आवाज उठाते रहेंगे और बोलते रहेंगे इन गद्दारों के खिलाफ और इन चोरों के खिलाफ। जब चोर को चोर नहीं कह सकते हो तो क्या कह सकते हैं आप? जब चोर है सरासर उसने चोरी की तो उसमें कौन सा गुनाह किया? अगर राहुल जी ने बोला तो उन्होंने केवल यही तो बोला है कि